सबसे पहले हम लेंगे कार्डबोर्ड। मैं स्मॉल साइज का बना रही हूँ। अब लेना है कॉफी स्टिरिंग स्टिक्स। आप आइसक्रीम स्टिक या टी स्टिक आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। अब कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक्स को पेस्ट करना शुरू करेंगे फेविकॉल से। लाइट ब्राउन कलर बनाने के लिए मैं डार्क कलर में येलो कलर मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो रेड ब्लैक एंड येलो भी मिक्स कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पे जो स्टिक्स हमने पेस्ट की थी उनको फटाफट से ये ब्राउन कलर से कलर करेंगे। और स्टिक्स अलग से ब्राउन कलर करके मैंने रख ली हैं। आप चाहे तो इस पे कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं। बर्थडे डेकोरेशन के मटेरियल के बाद ये एक खाली कवर था जिसमें एक शीट थी, तो आज मैं इसी शीट का यूज करूंगी। इसको स्मॉल साइज में कट कर लिया है और ये काफी हार्ड बोर्ड जैसी है। इस पे मैं गौतम बुद्ध का स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैंने एक्रेलिक ब्लैक कलर लिया है और मैं अपनी ड्राइंग की आउटलाइन करना शुरू कर दूंगी। आउटलाइन खत्म करते ही मैं इसमें पूरा ब्लैक कलर अंदर भी फिल करने वाली हूँ। कलर कंप्लीट होते ही मैंने इसे सुखा लिया। अब इसे मैं कट कर लूंगी। स्टिक वाला बोर्ड भी रेडी हो चुका है सूखकर। अब मैंने व्हाइट पेपर लिया है, प्लेन या कोई रफ पेपर भी आप ले सकते हैं। ड्रॉ की गई पत्तियों को कट कर लेंगे। हमारी पेपर पे जो डिजाइन बनानी थी वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे बोर्ड के ऊपर रख कर एक्रेलिक व्हाइट कलर लूंगी और इसके लिए स्पॉन्ज का यूज करूंगी। डिजाइन रेडी हो चुकी है। बुद्धा वाला कटआउट हम इस पे पेस्ट करेंगे। और जो चार स्टिक अलग से कलर करके सुखाई थी उनको इस पे अटैच करना है। DIY रेडी है। अब इस पे करना है वार्निश का एक कोट। आप हमेशा वार्निश जरूर करें अगर आप कोई वुडन या पेंटिंग वर्क कर रहे हैं तो। इससे आपका आर्ट पीस सिक्योर हो जाता है और लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल रहता है।